नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। अभी अभी शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नया अध्यादेश सचिव जी के द्वारा जारी किया गया है और प्रमुख सचिव के द्वारा शिक्षा विभाग में जारी किया गया यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार में आपके सरकार का जो एक गंभीरता है, अपने यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं यानी पहली से लेकर के आठवीं यानी मुख्य तरीके से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को टारगेट करते हुए उनके लिए आपके शिक्षा के अभिवृद्धि के लिए जो भी भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त उसके अधिकार हैं उनका प्रयोग करके एक आपकी नई स्कीम, हालांकि स्कीम पुरानी है, यह जो आपकी स्कीम आई है जिसके विषय में मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं। अभी अभी जो है एक अध्यादेश पारित किया गया, जारी किया गया था किसके द्वारा, दीपक कुमार जो कि प्रमुख सचिव हैं, इन्होंने जितने भी आपके जिले के मालिक हैं, डीएम हैं, उनको एक अपना आदेश जारी किया और उसमें यह बात आपका लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही है 2020 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन ट्विनिंग या पेयरिंग जिसको हम कहते हैं किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए जाने के संबंध में। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के ये जो है तर्क दिया कि अब प्राइवेट जो है प्राइवेट इनको भी कर दिया जाएगा, हालांकि ट्विनिंग या पेयरिंग प्राइवेटाइजेशन से अगर देखा जाए तो इसका कोई संबंध नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा उच्च प्राथमिक या प्राथमिक आपके विद्यालयों में जो पढ़ रहे आपके विद्यार्थी उनको ज्यादा से ज्यादा संसाधन मुहैया करा के उनमें इनोवेशन जो है कहीं ना कहीं डेवलप किया जा सके, पढ़ाई को एक तरीके में बदलाव किया जा सके। तो आप अपने आसपास देखते ही हैं कि जो आपके चाहे वो विश्वविद्यालय हैं या आपके मान लीजिए अशासकीय प्राप्त विद्यालय हैं या फिर आपके कोई प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, तो उनमें रिसोर्सेस काफी ज्यादा होते हैं। प्राइमरी और आपके उच्च प्राइमरी की बात की जाए तो इनमें रिसोर्सेस कम होते हैं। तो गवर्नमेंट ने यह आदेश, इससे पहले आपका आप दक्षिण भारत राज्यों को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, अभी मध्य प्रदेश को देख लीजिए, इन सारे राज्यों ने इस नीति का अनुसरण करते हुए लागू कर दिया है। अपने वहां वो क्या कर रहे हैं, विद्यालयों में प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में अच्छी सुविधा, ठीक है, वहां पर कई ऐसे विद्यालयों में ऑनलाइन पेयरिंग जो है पेयरिंग की जा रही है या ट्यूनिंग की जा रही है, मतलब प्रेजेंटेशन एक जो है स्कूल के बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे उस प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन देख रहे हैं अपने कॉलेज में। यहां पर जो किया गया है कि नहीं, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक के बच्चे विजिट करेंगे और 2 घंटे आपका वो अनिवार्य रहेगा कि 2 घंटे उस विद्यालय में वो बिताएंगे। इसमें अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रही है वो स्वयं से उसमें यह बात कही गई थी कि ऐसे सकारात्मक पहलुओं एवं संस्थाओं को तैयार करने की बात करती जो भारतीय संविधान द्वारा तय किए गए समावेशी और बहुताल जो है बहुलतावादी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पहचान सके एवं निभा सके। और इसका एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को सीखने के लिए बुनियादी ढांचे पर उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के मध्य और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय बनाना है, ठीक है, दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सके जिससे उस स्कूल के बच्चे जो यहां पर भाई रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है वो प्राइमरी और आपके अपर प्राइमरी के बच्चों तक भी उनकी पहुंच हो पाए। इसलिए भाई कंप्यूटर से संबंधित हो गया, अन्य आपकी जैसे प्रोजेक्ट वाली जो चीजें हो गई आपके प्राइवेट स्कूलों में आप देखते हो प्रोजेक्ट वगैरह काफी कराए जाते हैं, प्राइमरी या आपके अपर प्राइमरी में ये सब कोई नाम ही नहीं है, बच्चे जानते ही ना होंगे, उनसे अगर कहा जाए इस पर मॉडल बनाओ ये करो तो उनमें कुछ दिमाग में ही नहीं आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो इन्हीं सारी आइडियाज के शेयरिंग के लिए आपकी ये की जा रही है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जा रहा है। और इस तरीके से क्या किया जाएगा कि जो है प्राइवेट जो आपके कॉलेज चल रहे स्कूल चल रहे और जो आपके प्राइमरी या अपर प्राइमरी है दोनों के बीच में पेयरिंग की जाएगी ताकि बेस्ट से बेस्ट चीजें आपके प्राइमरी या जो है अपर प्राइमरी के बच्चों तक भी पहुंच सके, ठीक है। आज हेडलाइंस में भी इनको आपको देखने को मिल गया है, ठीक है, कि 5 से 8 किलोमीटर का दायरा लिया जाएगा कि 5 से 8 किलोमीटर दायरे में स्थित जो आपके संस्थान है उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा और इनमें कनेक्टेड जो भी हैं वो चाहे निजी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, वो सरकारी स्कूलों की मदद करेंगे, हालांकि सिर्फ निजी विश्वविद्यालय से यहां आशय यह नहीं है, प्राइवेट आपके स्कूल्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हो सकते हैं और प्राइवेट आपके बड़े कॉलेजेस भी इसमें अपना योगदान देंगे ही देंगे। एक तरीके से इसमें जो आदेश दिया गया है वो कहा गया है कि जितने भी आपके
चाहे निजी विश्वविद्यालय है, विद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान अपने पास के सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को गोद लेंगे, ठीक है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके ट्विनिंग के सिद्धांत का पालन करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, ठीक है, दीपक कुमार जी ने एक आदेश जारी किया और 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित सरकारी प्राइमरी या जूनियर स्कूलों के साथ ट्रेनिंग यहां पर की जानी है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें किया क्या जाएगा, जो दोनों संस्थाएं होंगी, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट और जो आपका दूसरा जो गवर्नमेंट आपका प्राइमरी है या अपर प्राइमरी है, तो दोनों इंस्टीट्यूट के जो प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है और शिक्षक, ये आपस में विचार विमर्श करके एक रणनीति तय करेंगे और ट्यूनिंग करेंगे और पीयर या ग्रुप लर्निंग के लिए एक वातावरण तैयार करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। और इससे एक उद्देश्य है गवर्नमेंट का कि हम लोग एक लर्निंग हब डेवलप कर ले जाए, लर्निंग हम हब बन जाएगा तो इससे दोनों संस्थाओं के संसाधनों तक सभी विद्यार्थियों की पहुंच बन पाएगी और यह साझेदारी एक तरीके से दो संस्थाओं के बीच में एक कह सकते हैं कि मेंटरशिप कार्यक्रम की तरह होगी, ठीक है। यानी जिसके पास बेहतर संसाधन है वो दूसरे स्कूल को मुहैया कर दे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में एक अच्छी सुधार है। हमसे पहले हालांकि बहुत सारे राज्य मैंने बताया कि इसको लागू कर चुके हैं, हम लोग थोड़ा पीछे रह चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा ऐसी पहल आपकी सराहनीय है, ये कहीं से भी आपके प्राइवेटाइजेशन को नहीं दर्शा रहा, ये आपके उन बच्चों तक आपके रिसोर्सेस को उपलब्ध करवा देगा जिनके पास आपके ये सारी चीजें जो सोच नहीं रही है उनमें, जो चीजें आपकी इनोवेशन की चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें यहां से डेवलप होंगी और कहीं ना कहीं उनका जो विकास होगा वो चौमुखी विकास आपका धीरे धीरे अग्रसर हो जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी नीति है, गवर्नमेंट अब इसको बहुत अच्छी तरीके से लागू कर पाए, अनुसरण कर पाए, ठीक है। जो गोद लेने की बात कही जा रही है, जो इंस्टीट्यूट गोद ले रहे हैं वो अच्छी तरीके से इसका अनुपालन करवा ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में जो एक बहुत बड़ा गैप है प्राइवेट और आपके गवर्नमेंट वाले के बीच में, उनका ये जो गैप होगा ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम आने वाले कुछ सालों में समाप्त करने का एक प्रयास बहुत बेहतर कर ले जाएंगे। और हो सकता है ये जो गैप बना है ये कहीं ना कहीं आपका समाप्त भी हो जाए भविष्य में, जैसी कार्य योजना सरकार आपकी लगातार लेकर के आ रही, तो एक पॉजिटिव रिस्पांस है, अच्छी चीज है, गवर्नमेंट कुछ तो बेस्ट अपना कर ही रही है। जहां 6 से 14 बरस के यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 के जो आपके विद्यालय हैं, चाहे प्राइमरी है चाहे आपका अपर प्राइमरी है, तो इसमें एक जैसे बहुत सारे लोगों के मन में यह संदेह उठ रहा था कि सर क्या अब इससे, जैसे किसी ने मुझे कॉल किया तो उन्होंने कहा सर अब ये भी प्राइवेट हो गया और प्राइवेट होने के साथ साथ आपका क्या हो गया, यहां टीचर अब खत्म हो जाएंगे। उसका पहला यही तर्क था कि अब तो बेसिक से भर्ती नहीं आएगी, तो मैंने पूछा आखिर क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि नहीं अब प्राइवेट किया जा रहा है। इसमें प्राइवेटाइजेशन आपका ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल वाले टीचर यहां करके पढ़ाने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहां पर प्रोजेक्ट के माध्यम से ज्यादा पार्टिसिपेशन किया जाएगा कि उन बच्चों में भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में उनके स्किल को डेवलप किया जा सके, उन तक रिसोर्सेस पहुंचेंगे तो वो उनका प्रयोग करके अपने आप को कहीं ना कहीं इनोवेटिव बनाएंगे, ये माहौल तैयार किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं गवर्नमेंट वाले टीचर जो है प्राइमरी उसमें जाकर के पढ़ाने लगे प्राइवेट वाले में, और प्राइवेट वाले अब आके इसमें पढ़ाने लगे, इससे शिक्षक भर्ती का कोई भी आपका वास्ता नहीं है कि नहीं शिक्षकों की कमी होगी ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रिसोर्सेस पर गवर्नमेंट काम करे और ये एक अच्छी पहल है, ठीक है, एक सकारात्मक पहल है, अच्छी पहल है भाई। स्कूल की गुणवत्ता में जितना सुधार हो सके वो चीजें भारत के लिए कहीं ना कहीं भारत के नए भारत के लिए योगदान में काफी अपना योगदान देंगी ही देंगी, बेस्ट देंगी। तो इस सूचना के संबंध में इतनी ही आपकी जानकारी जो है विशेष रही है। आप तनिक भी परेशान ना हो कि सर शिक्षकों के पदों की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एकदम इत्मीनान के साथ, आपका इससे पहले भी आपके 51,000-52,000 पदों के बारे में अभी विधानसभा में भी आपकी ये बात शिक्षा मंत्री ने स्वीकार की है कि इतने पद खाली हैं, आगामी चुनाव भी आ रहा है उससे पहले तो विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो आप सभी को इसी बात के साथ, अन्य आपकी जो भी सूचना मुझे मिलती है, ठीक है, किसी भी शिक्षक भर्ती के संबंध में उनके विषय में मैं आपको अपडेट दूंगा। चैनल पर पहली बार है, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और परीक्षा प्लस का जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल से भी जरूर जुड़ जाए, वहां पर ऐसी न्यूज आपको त्वरित तौर पर उपलब्ध करा दी जाती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए परीक्षा प्लस प्लेटफॉर्म पर।